कश्मीर की वादियों में ठंड बढ़ने लगी है। अब यहाँ का जीवन मुश्किल होने वाला है, इसलिए कश्मीर के लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। वे धान की भरी भराई फसल को समेटकर सालाना उर्स की तैयारी में जुट गए हैं। वादी के लोगों ने अगले कुछ दिनों के लिए दुनियादारी से मन फेर लिया है और अपने रूहानी पेशवा की दरगाह पर आ जा रहे हैं। उन्हें देखकर हमने भी सूफी संत शेखुल आलम, जिन्हें यहाँ के लोग नंद ऋषि भी कहते हैं, उनकी दरगाह की तरफ कदम बढ़ाया है। इन्हें लोग आलम दारे कश्मीर के नाम से भी पुकारते हैं। श्रीनगर से आगे बढ़ते ही हमने झेलम को पार किया है। ये दरिया कश्मीर घाटी के बीचों बीच बहती है। इन दिनों वो शांत है, यूं कहें कि इसकी लहरें ठहरी हुई हैं, क्योंकि दूर सामने कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलनी बंद हो गई है। इसका सीधा असर झेलम के बहाव पर दिखाई दे रहा है। हालांकि दरिया का पानी पहले से अधिक सर्द है, वादी में हरियाली भी अधिक नहीं है। कुल मिलाकर अभी वो बात नहीं है जिस कुदरती खूबसूरती को देखने के लिए लोग बाग यहाँ आते हैं। दरअसल ये महीना लोगों के लिए स्वयं के भीतर झांकने का है, वे इसी काम में मसरूफ हैं। सूफी कलंदरों की दरगाह पर जियारत कर रहे हैं और उर्स का आनंद ले रहे हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले इतिहास में झांकना जरूरी हो जाता है। उसमें हमें कुछ एक खास बातें मालूम होती हैं। 1318 से 1338 ईस्वी के बीच कश्मीर में भारी उथल पुथल मची थी। इन्हीं दिनों सूफी मत के लोगों ने पहले पहल कश्मीर की खूबसूरत सरजमी पर अपने पांव रखे थे। उन सूफी कलंदरों में पहला नाम हजरत सईद शरीफुद्दीन अब्दुल रहमान का है, जो आगे चलकर बुलबुल शाह के नाम से मशहूर हुए। वे तुर्किस्तान से इस्लाम का प्रचार करने आए थे। श्रीनगर के पांचवें पुल के नीचे कश्मीर की पहली मस्जिद है। 1327 में जब बुलबुल शाह का इंतकाल हुआ तो उन्हें उसी मस्जिद के पास सुपुर्दे खाक किया गया। वादी कश्मीर में जगह जगह ऐसे सूफी कलंदरों की दरगाहें हैं, लेकिन शेखुल आलम यानी नंद ऋषि उनमें अलग हुए, इसलिए उनका अपना मुकाम है। शेखुल आलम बड़ी देर तक इस गांव में रहा, इसका बचपन यहाँ से गुजरा, सारा कुछ यहाँ, फिर यहाँ से फिर वो कैमू भी गए, फिर बवाली का हर एक कोना जो है, हर एक गांव वहाँ पर गए। तो उसने एक तहरीक चलाई यहाँ, जिस तरह भक्ति मूवमेंट है यहाँ, सूफी तहरीक हिंदुस्तान में चली, खड़े में मोहिंदी चस्ती ने, इस तरह कश्मीर में एक इंडिजीनियस एक यूनिक तहरीक चली, ऋषिज्म द कम्बिनेशन ऑफ शिविज्म इस्लाम एंड दिस बुद्धिज्म। सूफी यानी ऐसा शख्स जो तसव्वुफ का सच्चा अनुयायी हो, सारे धर्मों से स्नेह रखने वाला और सबके लिए बराबर की नजर रखता हो। वादी कश्मीर में ऐसे सूफी संतों की ऊंची रिवायत है। उन्हीं सूफी संतों में एक मजबूत शाखा ऋषित्व परंपरा की है, जिनकी धारा शेखुल आलम से फूटी है। शेखुल आलम का पूरा नाम शेख नूरुद्दीन वली था। वे हिंदुओं के लिए ऋषि थे तो मुसलमानों के लिए पीर। इनकी भाषा का चरित्र असांप्रदायिक था। उनका कलाम कश्मीर की वादियों में उस भाव को पैदा करने में कामयाब रहा जिसकी पहचान आज कश्मीरियत से होती है। यहाँ प्राचीन शैव और बौद्ध के साथ मुसलमान कुछ इस तरह घुल मिल गए कि मानो वे इसी जमीन की उपज हों। कश्मीर की सरजमी पर ऋषियों का मकाम सबसे ऊंचा रहा है। अबुल फजल ने अपनी मशहूर किताब आईने अकबरी में ये बात दर्ज की है। अबुल फजल ने लिखा है, कश्मीर वादी में सबसे सम्मानित लोगों का वर्ग ऋषियों का है।
हालांकि इन्होंने इबादत के पारंपरिक तरीके को नहीं छोड़ा है, लेकिन वे अपनी इबादत में सच्चे हैं। दूसरे धर्मों के लोगों की भर्त्सना नहीं करते। वे सबकी भलाई के लिए फलदार वृक्ष लगाते हैं, मांस नहीं खाते और शादी भी नहीं करते हैं, क्योंकि ऋषित्व परंपरा की जड़ें कश्मीर की धरती में थी। इसलिए हमदानी या बाहर से आए दूसरे सूफियों की वनस्पत आम कश्मीरियों के बीच वे हमेशा खास बने रहे। जहां दो मजहब, मतलब जहां कोई फारियन मजहब आए या नया मजहब, नया दीन आए किसी जगह, वहां टकराव की बहुत बड़ी भावनाएं होती है। तो हजरत शेखुल आलम कश्मीरियों के मिजाज से वाकिफ था। इन्होंने कुरानी आयात और अहादीस को ऐसे महलूल किया है रिश्यत में कि टकराव कहीं नहीं हुआ। हमारी परंपराएं वही रही जो उन दिनों। शेखुल आलम यानी शेख नूरुद्दीन वली के पिता सालार संस ने हजरत मीर सईद मोहम्मद हुसैन सिमनानी से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल किया था। इसके बाद वे बाबा सालार दीन कहलाने लगे। हालांकि उनके पुरखे हिंदू धर्म को मानने वाले राजपूत खानदान से थे। इनका परिवार किश्तवाड़ का रहने वाला था। कुछ विद्वान इस परिवार का संबंध वहां के राज परिवार से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन किश्तवाड़ के इतिहासकारों का मत इससे बिल्कुल अलग है। वे बताते हैं कि किश्तवाड़ के पास फैली दुर्गम पहाड़ी के बीच एक गांव है त्रिगाम। वहां से एक रास्ता सीधी चढ़ाई की तरफ जाता है, वहीं उस धार नाम का एक गांव है। उसी गांव में उग्र तेज का परिवार था, जो 14वीं शताब्दी के शुरू में पलायन कर कुलगाम आ गया। यहाँ के लोग उग्र तेज को ही उग्र संज बताते हैं। वे कहते हैं, समदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस खीजोगीपोरा गांव में जन्म लिया और उसने संस्कृत जबान में क्या बोला आलमदार कश्मीरी ने, उसने बोला कश्मीरी में, ताति खी मैं जन्म दितुई, ताति खी मैं जन्म दितुई नुंदु सांस बु मुसलमान, यानी मैंने खी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में जन्म लिया, पैदा इधर हुआ और मैं सांस खानदान से ताल्लुक रखता है। जिस सांस खानदान से हजरत आलमदारी कश्मीर हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाही ताला अला ताल्लुक रखता था, वो कश्तवाड़ का खानदान था। कश्तवाड़ का खानदान सांस खानदान, सांस उसकी जात थी। शेखुल आलम से जुड़े ढेरों दिलचस्प किस्से कुलगाम के खी जोगीपुरा की गलियों में सुनाई देते हैं। इस गांव में एक सुंदर इबादत गाह है। पुरुष और महिलाएं दोनों बराबर की संख्या में यहां आते हैं। वे चश्मे का पानी पीते हैं और इबादत कर लौट जाते हैं। कहते हैं कि यहीं शेखुल का बचपन गुजरा और उन्होंने शुरुआती तालीम भी यहीं हासिल की। कश्मीर में वो दौर ईरान से आए सैयद अली हमदान का था, जो ईरान से नक्शबंद सूफी संस्कृति के प्रचार के लिए 700 शिष्यों के साथ कश्मीर आए थे। वहीं शैव भक्त ने लल दैद लालेश्वरी की लोकप्रियता घर घर में थी। ये इतिहास का वो दौर था जब संस्कृत भाषा कमजोर पड़ रही थी, धीरे धीरे फारसी का जोर बढ़ने लगा था। इन सब के बावजूद फारसी के बरक्स कश्मीरी भाषा को जिंदा रखने में शिव भक्तनी लाल दैत के साथ शेखुल आलम यानी नंद ऋषि ने बड़ा योगदान दिया। जो शुरुक है, जो उनका कलाम है, उसको कश्मीर में शुरुक कहते हैं, वो भी लोगों में बहुत मकबूल है क्योंकि वो कश्मीरी जबान में, और अब अंदाजा कर सकते हैं कि वो जमाना जब लोग एक रिलीजियस ट्रांजिशन से गुजर रहे थे, यानी कन्वर्शन जो है वो बड़े पैमाने पर हो रहा था, तो उनको फारसी या अरबी
जो जिसमें ज़्यादातर इस्लामिक लिटरेचर था, वो आम लोगों की समझ से बाहर थी ये ज़बानें। तो ये माना जाता है कि शेख नूरुद्दीन वली ने अपनी कश्मीरी ज़बान में जो इस्लामी टीचिंग्स हैं उनका खुलासा पेश करके लोगों के सामने रख दिया। इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि बौद्ध, शैव और सूफी इस्लाम के मिश्रण से जो एक विशिष्ट संस्कृति बनी, उसे लोग बाग, ऋषित्व या कश्मीरियत कहते हैं। कि उस जमाने में इनको नूरुद्दीन ऋषि कहा जाता है। ऋषि मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट थी जो विच वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन कश्मीर बिफोर द कमिंग ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम ने ऋषि मूवमेंट को स्टार्ट नहीं किया। यहाँ पे हिंदू ऋषि, उससे पहले जो बुद्धिस्ट के बारे में कहा जाता है कि बुद्धिस्ट थे, हिंदूज थे, ये जो थे ये एक ग्रुप था लोगों का जो अपने आप को ईश्वर की तपस्या के लिए वक्फ कर देते थे। यकीनन जो यहाँ के अपने लोग थे जो बाहर से नहीं आए थे और जिनमें सर फहरिस्त शेख नूरुद्दीन वली रहे हैं, उनका एक अहम रोल है। जो फिलासफिकल बातें इसने कही हैं, अगर ये शख्स यूरोप में पैदा हुआ होता, अमेरिका में पैदा हुआ होता, तो फिर मेरे ख्याल में ये बैनर मतलब इसका तो बिल्कुल होता अयान। लेकिन ये इसने एक शिकवा भी किया है, काश आपने मुझे उठाया होता किसी उस देश में जहां लोग मुझे समझते कि मैं क्या कह रहा हूं। आज 700 साल तक कश्मीर ने नंद ऋषि जैसा और कोई आदमी यहां पैदा नहीं किया। ऋषित्व भाव को समझने के लिए उदार और गहन दृष्टि की जरूरत है। अफसोस कि अब तक वैसी दृष्टि पैदा करने में हम नाकाम होते ही दिखाई दिए हैं। कई बार इतिहास को पलटना और दिखाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हम अपनी पहचान कर सकें। शेखुल आलम अपनी वाणी से स्वयं की पहचान कराते आए। उनके अनुयायियों में मुसलमान भी थे और हिंदू भी, और नंद ऋषि की वाणी सामाजिक संस्कृति की सच्ची रचना बनी। उन्होंने सामाजिक स्तर पर दो भिन्न संस्कृति वाली दरिया के दो किनारों को एक कर दिया। इससे साझी संस्कृति विकसित हुई। आगे चलकर लोगों ने इसे कश्मीरियत का नाम दिया। इसमें कश्मीर की अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति का वजूद तो है ही, इस्लाम की सूफी रिवायत को भी स्वीकारा गया है। दुर्भाग्य से कश्मीरियत का वो ऊंचा मुकाम दरक गया। कश्मीरवादी में इस्लाम का प्रतिक्रियावादी रूप दिखाई देने लगा। मैं यूनुस अहमद हाजी, मुतवली ज़ियारत व सजादुन्नशीन, दरबार अलमदार मुल्क कश्मीर अलैहि रहमत के हैं। मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ। 1995 में इधर एक वाका हो गया जिसमें ज़ाहिर शरीफ का अलमदार मुल्क कश्मीर अलैहि रहमत की ज़ियारत खाकस्तर हो गई, शहीद हो गई, इसके साथ बस्ती भी शहीद हो गई। लेकिन उसमें एक अहम और नायाब चीज़ हमने खो दिया कि 600 साल एक पुराना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की एक फातिमा तो जहरा था, उसकी रिदाई मुबारक थी और आसे मुबारक था अलमदार मुल्क कश्मीर में। वादी का सूफियाना रंग धीरे धीरे धुल गया है और वर्चस्व की लड़ाई में कश्मीरियत फना होने लगी। कश्मीर घाटी के लोग सीधे और सरल मिजाज के हैं। इन हालातों में भी वे अपनी विरासत को भूल नहीं पाए हैं। मई 1995 की घटना अब भी उनके दिलो दिमाग में तरोताजा है। भारत के इतिहास का वो काला दिन था। कश्मीरी भाषा के लोकप्रिय कवि गुलाम अहमद महाजूर ने कहा है, मैं नहीं हूं आज जैसा था पहले कभी। हमारी महान सभ्यता के जागृत अवशेष दिखेंगे बिखरे हुए।
पवित्र शिलाओं में। आज उन पवित्र शिलाओं से युवाओं का परिचय कराना हमारा सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि कश्मीर को बचाने के लिए युवाओं का स्वयं से परिचय पहली जरूरी शर्त है। इन दिनों नंद ऋषि यानी शेखुल आलम की दरगाह पर जायरीनों और अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ रही है। लोग आते हैं, मजार पर चादर पोशी कर मन्नतें मांगते हैं और एक धागा बांध कर लौट जाते हैं। जब मन्नत पूरी होती है तो वे दोबारा दरबार में हाजिरी देते हैं और धागा खोलते हैं। यहां दरगाह के चारों तरफ जो बस्ती आबाद है वो नई है। दरगाह और बस्ती दोनों एक दूसरे की पहचान है, जो कश्मीरियत का संदेश दूर तक पहुंचाती है।